25वीं राजा इंद्रजीत प्रताप शाही राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन तमकुही राज के फतेह मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज में। टूर्नामेंट के दूसरे दिन मुख्य अतिथि देवरिया लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी नियाज अहमद खान थे। स्वर्गीय राजा इंद्रजीत प्रताप शाही के चित्र पर माला चढ़ाकर नमन कर याद किया। उसके बाद फुटबॉल खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनके हौसले को मजबूत किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि अपने पैर से फुटबॉल को मारकर खेल का शुभारंभ किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को दूर करना है, जिसके लिए वे जनता के बीच पहले भी रह चुके हैं और आज भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी नियाज खान ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने चुनाव के दौरान जो भी वादे किए थे वे सारे वादे जुमली साबित हुए हैं। किसान तो हर हाल में दुखी है, आज भी, कल भी था और आज भी। इसका निराकरण कब होगा, कैसे होगा, यह मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज देखिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा महल में रह रहा हो, जितना भी बड़ा संपन्न हो, लेकिन वो खाता है रोटी, अनाज ही खाता है। सर, किसमें बाजार से किसका पेट नहीं। सर, लास्ट क्वेश्चन है सर, सपा और बसपा का गठबंधन देख क्या कहेंगे सर? सपा और बसपा का गठबंधन लगभग तय है। संभावनाएं हैं कि 15 तारीख को आदरणीय बहन जी का जन्मदिन है, उस पर आधिकारिक घोषणा होगी और उसके बाद पूरे प्रदेश के सीटों की घोषणा इसी महीने